बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10X केमिकल के बारे में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि 10X केमिकल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी कीमत कितनी होती है, कहां पर अवेलेबल होता है और उसको यूज कहां पर करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत। इस चैनल पर मैं भवन निर्माण से संबंधित सबसे सही और सटीक जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 10X का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। 10X का प्रयोग मार्बल, टाइल्स, इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट, इनके जॉइंट्स में भरने के लिए किया जाता है। लेकिन यह जॉइंट साधारण वॉल टाइल्स या साधारण मार्बल फ्लोरिंग के नहीं होते हैं। इस 10X का उपयोग उन जॉइंट को भरने के लिए किया जाता है जहां इटालियन मार्बल, नैनो वाइट या फुल बॉडी टाइल्स को कटिंग करके बिठाया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग किचन प्लेटफॉर्म बनाते समय, डोर फ्रेम बनाते समय, विंडोज या उनकी डोर फ्रेम बनाते समय या सीढ़ियों में कोई पट्टी पट्टा या डिजाइन बनाते और उनकी मोल्डिंग करते समय इनका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आप इटालियन मार्बल का फ्लोरिंग करते समय भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 10X भरने के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट का जॉइंट भरने के लिए हम अक्सर एरलाइट, व्हाइट सीमेंट या बोन टाइट या कुछ दूसरे केमिकल का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से ये कुछ सालों के बाद में ये जॉइंट या तो टूट जाते हैं या फिर उनमें से वो निकल जाता है, जिसके कारण कचरा भर जाता है और वो जॉइंट्स काले काले दिखने लग जाते हैं, जिसके कारण से हमारा जो मार्बल है वो फ्लोरिंग में हो, चाहे विंडो सील में हो, कहीं पर भी हो, वो थोड़ा भद्दा दिखने लग जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर हमको वो जॉइंट भरने के बाद में अगर उसको मोल्डिंग या पॉलिश करने की जरूरत पड़ी तो उसमें वैसी पॉलिश नहीं आ पाती जैसी आनी चाहिए। लेकिन उन जॉइंट्स में अगर आप 10X भरते हैं तो वो जॉइंट ना तो कभी टूट पाते हैं और ना ही वो कभी काले पड़ते हैं। इसलिए मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट के जॉइंट्स में हमेशा 10X भरा जाता है और फिर उनके ऊपर वापस पॉलिश की जाती है, जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर 10X होता क्या है और ये कैसे दिखता है। 10X एक एपॉक्सी बेस्ड केमिकल है जो मुख्यतः चार कलर्स में आता है, व्हाइट 10X, आइवरी 10X, ग्रीन एंड ट्रांसपेरेंट जे। इन चारों रंगों के 10X को विभिन्न प्रकार की सिचुएशन के हिसाब से उपयोग में लिया जाता है। इन सभी प्रकार के 10X की एक बात बड़ी कॉमन है, वह यह है कि इसको मिक्स करते समय रेजिन वाला पार्ट 97% और जो हार्डनर वाला पार्ट है उसको 3-4% काम में लिया जाता है और उसी को मिक्स करके जॉइंट भरे जाते हैं। इन सभी 10X का सेटिंग टाइम अलग अलग होता है। व्हाइट और ग्रीन वाला 10X का सेटिंग टाइम 1-2 मिनट का होता है। आइवरी और ट्रांसफेट जो 10X होता है उसका सेटिंग टाइम 20-30 मिनट का होता है। आपका टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट जिस प्रकार का है उसी प्रकार का 10X यूज में लेना चाहिए। अगर आपका ग्रेनाइट किसी अन्य कलर का है और उस कलर का 10X मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आपको ट्रांसपेरेंट जेल वाला 10X काम में लेना चाहिए। आप उसमें किसी भी प्रकार का कलर मिक्स करके आप जॉइंट में भर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए बाद में वो कलर उस ग्रेनाइट के कलर में मैच हो जाता है और पॉलिश होने के बाद जॉइंट बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देते हैं। अब जानते हैं 10X का वजन और उसकी कीमत कितनी होती है। 1 किलो का पैकिंग अगर वो व्हाइट, आइवरी या ग्रीन वाला है तो इस 10X की कीमत 850 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के बीच की हो सकती है। और वहीं ट्रांसपेरेंट जेल 10X की कीमत 1550 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक हो सकती है। 10X मेड इन इटली प्रोडक्ट है और बहुत सारी कंपनियां 10X का उत्पादन करती है। जहां तक मेरा अनुभव है, सूरी कंपनी का 10X सबसे बढ़िया आता है। अगर आपका काम थोड़ा है और आपको लगता है कि मुझे 1 किलो 10X की जरूरत नहीं है तो मार्केट में एक दूसरा प्रकार का 10X भी आता है जिसको हम कार्पेज कहते हैं। आप वो 10X खरीद सकते हैं और उसका वजन 150 ग्राम होता है और उसकी कीमत 30-50 रुपये के बीच में होती है। अगर आपको ज्यादा 10X चाहिए तो आप 1 किलो वाला पैकिंग भी ले सकते हैं।
अगर इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.contractorg.com। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको कंपनी का हेल्पलाइन नंबर दिखाई देगा, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं आज्ञा, नमस्कार, आप सुरक्षित रहें, धन्यवाद।